रूस में एक विमान क्रैश की घटना सुर्खियों में है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में रूसी अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि इस घटना में बाकी लोगों समेत प्राइवेट आर्मी ग्रुप वैगनर ग्रुप के प्रमुख एवगेनी प्रिगोजिन की भी मौत हो गई है। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच प्रिगोजिन कुछ वक्त पहले रूस के खिलाफ कथित बगावत को लेकर चर्चा में रहे थे। इसके बारे में प्रिगोजिन ने कहा था कि वो तख्ता पलट की कोशिश नहीं कर रहे थे, बल्कि अपने निजी सैन्य समूह को तबाह होने से बचाने की कोशिश कर रहे थे। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ही वैगनर प्रमुख और रूस के सैन्य अधिकारियों के बीच तनातनी जारी थी। प्रिगोजिन ने कई बार आरोप लगाए थे कि वैगनर को रूसी सैन्य लीडरशिप से पर्याप्त गोला बारूद और सहयोग नहीं मिल रहा। ये तनातनी एक कथित विद्रोह में बदल गई, जो एक कथित समझौते के तहत कम समय में खत्म भी हो गया। उस वक्त रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस घटना से काफी नाराज दिखे थे। उन्होंने कहा था कि धोखा देने वाले को सबक सिखाया जाएगा। हालांकि जल्द ही प्रिगोजिन से कथित समझौता हो गया और उन्हें बेलारूस जाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन कहा जाता है कि वो बीच बीच में रूस में दिखाई देते थे। विमान क्रैश को लेकर रूस की समाचार एजेंसी तास ने आपात अधिकारियों के हवाले से बताया कि विमान में 3 पायलट और 7 यात्री सवार थे और ये विमान मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग जा रहा था। उड़ान संबंधी डेटा के अनुसार बताया गया है कि निजी विमान ने बुधवार शाम को मॉस्को से उड़ान भरी और कुछ मिनट बाद ही इसका संपर्क टूट गया। फिलहाल इस मामले में कई तरह की आशंकाएं और अटकलें लगाई जा रही हैं। सोशल मीडिया पर इस घटना को पुतिन से भी जोड़ा जा रहा है।